हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ आई पास माय सीएसएस एसे एग्जाम्स। ऑब्वियसली द सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन सबसे पहले हमारे पास यही होगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो ऐसे में चूज करना चाहिए जब आपके ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर होता है और जब आप एग्जाम्स के अंदर बैठे होते हैं, तो उस वक्त आप आधा पेपर तभी पास कर जाते हैं जब आप एक सही ऐसे जो है उसको चूज करते हैं और उसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक खुला हुआ है, एक 2021 का पेपर, मैंने इसी में के अंदर पास आउट किया था और इसी के अंदर से ऐसे चूज किया था। मैं अपना ऐसे जो मैंने चूज किया था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ टिप्स दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा जो कि वाकई आपके काम आएंगे आगे जाकर। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं ऐसे कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या मौजूद है। एक कुछ लिटरेचर रिलेटेड ऐसे होते हैं जैसे कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम। अब ये उसी तरह से है जी, जो बातें हैं कि इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी पूरी दुनिया जहान में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब इसको बोलते हैं ओपन एंडेड ऐसे। ओपन एंडेड ऐसे में ये होता है कि आप कोई भी किसी भी मटेरियल को इस ऐसे के कोट के साथ रिलेट कर सकते हैं किसी ना किसी तरह। तो मीनिंग पर्पोसिव एजुकेशन ये भी कुछ इसी तरह का ही है। तो इस तरह के ऐसे जो है वो अगर तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेचर का पीछे से बैकग्राउंड है तो आप चूज करें, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि लिटरेचर वाले ऐसे जो है उसको चूज किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो ये कि आपके पास वर्ड्स की कमी हो जाती है, आप एक ही बात जो है वो बार बार करना शुरू कर देते हैं, आपके पास आइडियाज जो है वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपके पास ना इसके पास किसी चीज की स्टोरी होती है ना आपके पास इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको डेटा पढ़ के दिए होते हैं। सो ये ऐसे जो है वो बाद में आपको मुश्किल में डाल देते हैं। उसके बाद जी ये ऐसे आ जाता है जी, COVID-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी सच। अब उस टाइम पे हमेशा बल्कि ऐसे होता है कि हर साल एक ना एक ऐसे ऐसा एक ना एक ये ऐसे जरूर देते हैं कि जो कि कह लें कि इनके डेटा के अंदर एक न्यू ऐसे होता है हर साल। कोई वो कह लें 5-6 घंटे ऐसे हर साल आते हैं, लेकिन हर साल ये एक ऐसे जो है वो नया जरूर ऐड करते हैं। सो हमारे टाइम पे COVID-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर अभी भी, बल्कि PMS में भी इसके आने के हल्के फुल्के चांसेस हैं। तो हमारी दफा भी ये आया हुआ था। तो इस तरह का ऐसे भी चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास डाटा जो है वो काफी कम होता है, क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, अभी जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा होता है और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के ऐसे भी बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए। एक और बात, अब वो ऐसे नहीं चूज करना चाहिए जिसके अंदर मार्केट के अंदर या पूरी मार्केट से मतलब मेरा पूरी नेशन के अंदर या इंटरनेशनली 4-5 ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर एक एक ओपिनियन जी है कि जी कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, एक ओपिनियन जी है जी कश्मीर इंडिया का होना चाहिए, एक ओपिनियन जी है जी कश्मीर का मसला उनके लोगों के मुताबिक हल होना चाहिए, और एक एक इसके ऊपर ये है कि जी इसको अमन के साथ हल करना चाहिए, फिर एक इसके ऊपर ये नहीं जंग के साथ हल करना चाहिए। अब इसके ऊपर कई ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। अब आपने कोई भी एक ओपिनियन चूज किया, लेट अस सपोज एग्जामिनर उससे डिफरेंट ओपिनियन का आपको मिल गया, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो एक नेचुरली हेट जो है वो आपके खिलाफ उसके डिवेलप हो जाएगी और उसके उसको थोड़ा सा आपका ऐसे ना अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने एक तो ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें आप सबको राजी कर सके। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, एक साइड अगर आप पकड़ लें तो उसको पकड़ लेना चाहिए, और एक कभी भी आप ऐसे चूज करें तो आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं लिखना है, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मेंशन नहीं करना है आपने। हाँ, स्पेसिफिकली आप गवर्नमेंट मेंशन करना है कि उस टाइम की गवर्नमेंट में ये काम हुए, लेकिन वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आ जाते हैं ऐसे नंबर 4 पे, ह्यूमन इन्वेंशन मूव दिस सोसाइटीज बैकवर्ड, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटीज और टॉपिक। ये वाले ऐसे भी अगर आप चूज कर लें तो ठीक है, लेकिन मैं भी इस तरह के ऐसे जो है ना वो चूज करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के उसके ऊपर भी ये देखिए जैसे ये वाला ऐसे है, इसके ऊपर भी कई ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब सेफ एंड साउंड जो था ना ऐसे 2021 में, वो मेरे ख्याल से था सिर्फ एक जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन। एक तो जेंडर इक्वालिटी, हाँ इसके अंदर भी ये है कि मैंने कभी भी जेंडर इक्वालिटी वाले और LGBTQ के ऊपर कभी भी मैंने फेमिनिज्म के ऊपर तैयारी नहीं की, और हालांकि हमारे टीचर हमें कहते थे
आप ये वाला ऐसे जरूर तैयार करके जाए, क्योंकि ये तो आता ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस टॉपिक से थोड़ी सी कहने के नफरत सी है, तो मेरे कलम से जी ये नहीं लिखा जाता, तो मैंने ये टॉपिक जो है वो स्किप किया हुआ था और इसको मैंने, लेकिन अगर आप फेमिनिज्म के हक में लिख सकते हैं, आप एलजीबीटीज के हक में लिख सकते हैं, आप इन सारी चीजों के हक में लिख सकते हैं, तो आप जरूर चूज करेंगे ऐसे, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब इसके अंदर दो राय बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो इंग्लिश आप कैसे चेक कर रहा होता है वो ज्यादा इस्लामिक नहीं होता है, वो ज्यादा इसी जो है ना आजकल जो फेमिनिज्म की लहर चल रही है उसी के ऊपर जो, तो ये वाला भी एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन इससे भी सेफ ऑप्शन सबसे पहले आपने जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो तलाश करते, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है ये, हाँ सेफ ऑप्शन है लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन नहीं है, तो इसको येलो कर देते। फिर जी ब्यूरोक्रेसी डॉल्ड्रम्स, ये कह लें सबसे खतरनाक ऐसे ब्यूरोक्रेसी डॉल्ड्रम्स, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने उनके खिलाफ ही लिखने हैं जो कि आपके पेपर चेक कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी डॉल्ड्रम्स का मतलब है उबड़ खाबड़ कह लो के रास्तों से गुजरती हुई ब्यूरोक्रेसी गुजरी है हमारी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी जो है तनकीद करें और उसके ऊपर थोड़ी सी तजिया करें उसका, ये वो ऐसे था, तो इसको बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से जिन्होंने भी चूज किया वो फंसे ही थे। सो ब्यूरोक्रेसी डॉल्ड्रम, अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक तो ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा जहां पर आपको ये खतरा लाग हो जाए कि आपका ओपिनियन अगेंस्ट जा सकता है एग्जामिनर के, वो वाला ऐसे वहीं पर छोड़ दे, और वो ऐसे जहां पर आपको ये फील आ जाए कि कोई लड़ाई झगड़े की बात हो रही है या किसी जंग की बात हो रही है या किसी इंटरनेशनल वॉर्स की बात हो रही है, तो उस ऐसे को भी छोड़, वॉर का जहां नाम सुने उस ऐसे को छोड़, उस ऐसे पे आपने बात ही नहीं करनी। फिर उसके बाद जी एक आया था जी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ये देखिए बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव ऐसे था, बिल्कुल सिंपल ऐसे था, जिसने भी इसको चूज किया वो उसने ऐसे ही ज्यादातर लोगों ने पास कर लिया, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में, मतलब जिसने इसको डायरेक्ट की हिट किया ना जाके उसने इसको जो है इसको पास कर लिया। बाकी हाँ इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, क्योंकि कई मेरे दोस्तों ने भी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन किया लेकिन वो पास नहीं कर सके, उनकी गलती भी मुझे पता है। हम जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा उसमें हमने जब अगर जब पहले हमने प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन चूज कर लिया, अब इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, वो जो मैंने आउटलाइन बनाई थी और मैंने जिस आउटलाइन पे ऐसे पास किया था वो भी मैं आपको लाजमी शेयर करूंगा। अच्छा जी मैंने ये ऐसे चूज किया था क्योंकि इसके अंदर कोई दो राय एग्जिस्ट नहीं करती है, सबको जो इसकी पॉजिटिव्स हैं और इसकी नेगेटिव्स हैं वो सबके सामने, और वो कह लें कि उसके खिलाफ कोई इनकार भी नहीं कर सकता, जैसे ग्लोबलाइजेशन की जो बड़ी बड़ी जितनी भी बातें हैं वो ही लिखनी थी, कुछ छोटी मतलब कुछ ज्यादा पेचीदगियों में नहीं जाना था, सिंपल सिंपल सी बातें थी। मैंने इवन के मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले पेज पे मेरे इन्वायरमेंट के स्पेलिंग गलत थे और मैंने आउटलाइन में मार्कर से लिखे हुए थे। अब ये या तो आप इनके कह रहे सिस्टम का फेलियर था या मैंने बहुत अच्छी जो है वो आउटलाइन लिखी हुई थी, तो मुझे लगता है कि मेरी आउटलाइन बहुत अच्छी थी क्योंकि मैंने जिन टीचर से पढ़ा है वो खुद रिटर्न में टॉपर थे, ठीक है। सो इसकी आउटलाइन के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट जो है वीडियो में इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो आएगी। तो मेरा ही ऐसे चूज किया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उसके ऊपर दो राय किसको कहती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जंग की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेशनल वॉर्स है वो इसमें नहीं हो रही, और क्यों, क्योंकि इसमें नेशनल लेवल पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी उसके बाद जी इंटरलेक्चुअल कम्युनिकेशन, ये वाली चीज है देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर जो आ गई, अब इसके अंदर भी जैसे ये जहां पर वर्ल्ड वॉर्स का नाम आप सुने ना उस ऐसे को बाहर कर, ठीक है, तो एक ना एक ऐसे लाजमी वॉर के ऊपर आया होगा, क्योंकि ये जमाना इस तरह का चलता है, या तो वो आई होगी थर्ड जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर आई होगी, या इस तरह के थर्ड वॉर वर्ल्ड वॉर आई होगी, हर साल एक वर्ल्ड वॉर या इस तरह के वॉर किसी न किसी वॉर के ऊपर लाजमी आया होता। उसके बाद ये लास्ट है ये वाला ऐसे तो मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चूज नहीं किया था। बहरहाल लिटरेचर वाले ऐसे भी चूज ना करें, क्योंकि लिटरेचर वाले ऐसे भी आपको एट द एंड आपके पास ना 3 4 5 सफ़े लिखने के बाद आपका मटेरियल खत्म हो जाता है, और फिर रेपिटेशन जब शुरू होती है तो एग्जामिनर को पता चल जाता है, बस रेपिटेशन ही होनी चाहिए और बाकी जो है वो अल्लाह ताला जो है ना वो संभाल लेते हैं। बाकी दुआएं भी काफ़ी जो है वो मैटर करती हैं, कई लोगों के ऐसे जैसे मेरा ऐसे भी पास हो गया, मेरे सारे जो सब्जेक्ट पास हो गए लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो
जीसस एलोकेशन के लिए। ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आपको मजबूत बनाने के लिए और आपको निखारने के लिए ये सारे जो है इन मरहलों से गुजारते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम इस ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को, इसकी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे, इस ऐसे को पूरा खत्म करेंगे इंशाल्लाह।